सामने आई टीम इंडिया की दो सबसे बड़ी कमजोरी, विदेशी सरजमी पर आ सकती है सर झुकाने की नौबत। जी, हार्दिक पांड्या के नेतृत्व में भारतीय टीम आयरलैंड दौरे के लिए दो T20 मुकाबलों के लिए रवाना हो चुकी है। दोनों टीमों के बीच इस सीरीज का पहला मैच 26 जून को और दूसरा मैच 28 जून को होना है। बीसीसीआई ने कुल 17 सदस्यीय भारतीय टीम का चयन किया है, जिसमें सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा, संजू सैमसन आयरलैंड के खिलाफ इन दो मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम में वापसी कर चुके हैं। हालांकि ये लंबे समय के बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे हैं, लेकिन अब टीम इंडिया जो आयरलैंड के खिलाफ खेलने वाली है, माना जा रहा है कि टीम इंडिया इस सीरीज की प्रबल दावेदार है, क्योंकि इंडिया आयरलैंड को बड़े आसानी से हरा देंगी। लेकिन ये गलत फहमी है। जी हाँ, क्योंकि आयरलैंड जो है एक मजबूत टीम बनकर उभर रही है, लेकिन हम आपको बता दें कि टीम इंडिया की टीम के अंदर भी कुछ ऐसी कमजोर कड़ियां हैं जो अब टीम इंडिया के लिए चिंता का विषय बन चुकी है। विरोधी टीम को हल्के में आंकना और अपनी गलतियों पर काम न करना, ये टीम इंडिया को भारी पड़ सकता है। आइए आपको बताते हैं टीम इंडिया की कौन सी वो दो कमजोरियां अब सामने निकल कर आ रही हैं, जिसकी वजह से विदेशी सरजमी पर सिर झुकाने की नौबत आ सकती है। आइए आपको बताते हैं इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप ही हैं टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन, तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचे। टीम इंडिया का आयरलैंड का दौरा करने का सबसे बड़ा टारगेट जो है वो टीम इंडिया को वर्ल्ड कप की तैयारी करना है, इसलिए तो इतने ज्यादा बिजी शेड्यूल के अंदर आयरलैंड का दौरा तय किया गया है, ताकि वहां पर युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जा सके। ये बात तो आप जानते हैं कि इस साल टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर T20 वर्ल्ड कप खेलना है, उससे पहले टीम इंडिया को एशिया कप खेलना है, और इसके लिए माहौल गरमाया हुआ है कि टीम इंडिया अपने स्क्वाड के अंदर किन खिलाड़ियों को मौका देगी। और इस सीरीज के लिए तो वैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, जडेजा, शमी, बुमराह और खतरनाक जितने भी खिलाड़ी है, वो सारे के सारे तो इंग्लैंड दौरे पर व्यस्त है। ऐसे में ये जो टीम है इंडिया की, इसे बी टीम कहा जा रहा है, लेकिन इस बी टीम में भी कुछ कमियां निकल कर आ रही है जो आपको हैरानी में डालेंगी, और जो टीम इंडिया को आयरलैंड के खिलाफ भी कहीं न कहीं संघर्ष करने पर मजबूर कर देंगी। आइए आपको बताते हैं उन दो बड़ी कमजोरियों के बारे में। दूसरी बड़ी कमजोरी टीम इंडिया की आयरलैंड के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। एक और जहां ईशान किशन दमदार फॉर्म है, वहीं दूसरी ओर ऋतुराज का फॉर्म संघर्ष से जूझ रहा है। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका सीरीज में ईशान किशन ने कुल 5 मैचों में अपनी टीम की ओर से सबसे ज्यादा 206 रन बनाए हैं। वहीं ऋतुराज गायकवाड के बल्ले से 4 मैचों में महज 96 रन ही निकले हैं। उन्होंने मैच एक मैच में 85 का आंकड़ा छुआ। दोनों सलामी बल्लेबाज के बीच कॉम्बिनेशन में कमी साफ नजर आ रही है। ऐसे में आयरलैंड के लिए किसी मौके से कम नहीं कि वो टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर दे और कहीं न कहीं टीम इंडिया को शुरुआत में ही दबाव में डाले, और ऐसा ही कुछ साउथ अफ्रीका कर रही थी। ओपनिंग जोड़ी टीम इंडिया की कमजोरी बनकर सामने आई है। टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी को अच्छा खेल दिखाना होगा, वरना टीम इंडिया की ये सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। लेकिन इस लिस्ट में पहली बड़ी कमजोरी टीम इंडिया में आयरलैंड के खिलाफ जो है मिडिल ऑर्डर बिल्कुल नया है। ऐसा इसलिए क्योंकि टीम के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव के साथ साथ दीपक हुड्डा और संजू सैमसन लंबे अंतराल के बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे हैं। सूर्य कुमार IPL 2022 में चोटिल होने की वजह से साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से ड्रॉप हो गए थे। अब वही IPL 2022 में संजू सैमसन और दीपक हुड्डा के शानदार प्रदर्शन के कारण उन्हें टीम में एक बार फिर जगह मिली। अब ये नए हैं, इनकी फॉर्म नहीं है, इनको पहली बार खेलना है। ऐसे में अब टीम इंडिया की एक बड़ी कमजोरी है कि कैसे पता नहीं मिडिल ऑर्डर काम करने वाला है। कमजोरी तो ये भी है टीम इंडिया की गेंदबाजी लाइनअप पे कुछ खास नहीं है। भुवनेश्वर कुमार हालांकि थोड़ा अच्छा कर रहे हैं, हर्षल पटेल भी थोड़े महंगे साबित हो रहे हैं, उसके बाद कोई ऐसा गेंदबाज है नहीं जो विकेट टेकर हो। कहीं ना कहीं युजवेंद्र चहल भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ केवल एक या दो मैचों में कुछ विकेट चटका पाए हैं, बाकी सारे मैचों में महंगे साबित हुए हैं। ऐसे में कहना होगा टीम इंडिया की ये कमजोरी कड़ी कहीं न कहीं मुसीबत बन सकती है। इस बारे में आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताएं।